नमस्कार ऑल, तेजस्वी हियर फ्रॉम कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। ये जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, ये आप लोगों को बताने के लिए कि अक्टूबर महीना आप लोगों के लिए कैसे जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा डल साउंड कर रही हूँ, अगर मैं आपको एनर्जेटिक नहीं लग रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। इन द बिगिनिंग ओनली आई विल से दैट ऑफकोर्स अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए, बट प्लीज़ दिस टाइम फॉरगिव मी। आई विल ट्राई my level best to be good in this video। तो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीना जो है वो बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। जो ट्रांजिट्स अभी हो रहे हैं प्लैनेट्स के, उन ट्रांजिट के हिसाब से इस महीने में लोगों के जीवन में इरिस्पेक्टिव एनी साइन एनी राशि बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। कुछ लोगों का रहने का घर बदलेगा, कुछ लोगों का ऑफिस चेंज होगा, कुछ लोगों के जो रिलेशनशिप है उस स्टेटस में भी उनको चेंजेस आएंगे। जैसे कि वो अपनी रिलेशनशिप में शायद न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, शायद रिकाउंसिलेशन हो सकता है। अगर कहीं पे आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है तो वो फिर से रिकाउंसाइल भी हो सकता है। और आपका डेफिनेटली बहुत से लोगों के लिविंग प्लेस में चेंज आएगी, या तो वेकेशन होगा। इनफैक्ट अगर हम पॉलिटिकल से भी देख ले, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देख ले, तो पार्टियों में बहुत से नेताओं के जो पद है वो चेंज हो जाएंगे, या बहुत सी उनकी जो पार्टियां है उनमें इंटरनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऑफिसर्स चेंज होंगे, उनका जो डिपार्टमेंट्स था वो डिपार्टमेंट चेंज हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन एक और बात है कि ये जो ट्रांजिट है इसमें होने वाले जो भी चेंजेस है वो अनसर्टन है, ये अनिश्चित है। ज़्यादा समय के लिए या परमानेंट चेंजेस इस ट्रांजिट से आपकी लाइफ में नहीं होने वाले हैं। तो अगर कोई चेंज आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हमने देखा है कि अक्टूबर महीना कैसे हो सकता है, तो बहुत से चेंजेस हो सकते हैं, उथल पुथल हो सकती है। इसके साथ ही एक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस महीने में बहुत से लोगों को मिल सकती है। अब कैसे इसे हम जानते हैं एक एक राशि के हिसाब से। हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस हैं जो मैं बनाती हूँ वो है बेस्ड ऑफ एसेंडेंट। एसेंडेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी एसेंडेंट होता है, यानी कि जो भी आपका जो 12 ग्रहों की कुंडली है उस कुंडली में जो भी पहले भाव में पहले हाउस में जो नंबर लिखा है वो जिस राशि का नंबर है वो आपका एसेंडेंट प्लैनेट है, उस राशि का स्वामी। तो आपको आपके एसेंडेंट के हिसाब से अपनी राशि देखनी है। मान लीजिए अभी जो मैंने दिखाया है उसमें नंबर 1 है, तो नंबर 1 का एसेंडेंट कौन होता है, मेष राशि होती है, और उसका स्वामी होता है मंगल। आपको इस तरीके से इस कुंडली को देखना है कि आपकी राशि कौन सी है और उसका आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्या होगा। तो मेष राशि जो है, मेष राशि वालों के लाइफ में, एरिस साइन जिसे हम बोलते हैं, एरिस साइन वालों के लाइफ में इस महीने में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इस महीने की शुरुआत में ही आपके जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसमें 3 अच्छे प्लैनेट्स युति बना के एक घर में बैठे हुए हैं, जो छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या होगा कि छठा भाव जो है वो ऋण का कहा जाता है, हेल्थ का कहा जाता है, हेल्थ इश्यूज़ का कहा जाता है। तो जो प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बन रही है उसमें आपको एक अच्छा स्वास्थ्य इस महीने में प्रदान होगा। अगर आपकी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको प्रॉपर डायग्नोस मिलेगा, और लंबे समय से अगर आप कोई हेल्थ इश्यू से डील कर रहे थे उसमें आपको काफ़ी सुधार और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस महीने में आप देख रहे हो कि बुध, सूर्य और शुक्र इन तीनों ग्रहों की युति आपके कुंडली के छठे भाव में हो रही है। तो इसका मतलब है अच्छा स्वास्थ्य होने के साथ साथ शनि जो आपके दशम भाव में आ रहा है वो आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत देगा। आपके करियर में एक बहुत ही अच्छा और बदलाव आपको मिल सकता है, पॉजिटिविटी मिल सकती है। हम सब जानते हैं जब शनि हमें कोई चीज़ देता है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होती है, चाहे वो पेन हो या गेन हो, उसका इम्पैक्ट काफ़ी टाइम तक रहता है। तो इस महीने में जो मेष राशि को शनि देने वाला है वो है करियर में स्टेबिलिटी, या तो करियर में एक पॉजिटिव बदलाव, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैरिड लोगों के लिए है कि वो अवॉइड करें कि कोई भी आर्ग्यूमेंट हो फैमिली लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, और अपने गुस्से को काबू में रखें, अपने एंगर को कंट्रोल करें, अदरवाइज चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका इम्पैक्ट उनको मंथ के एंड में, सेकेंड हाफ में
परिणाम जिसका मिल सकता है, तो उसे टालने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स को जितना हो सके कम कीजिए और कंट्रोल में रखिए। दूसरी जो साइन आएगा, जैसे हमने देखा कि प्लैनेटरी पोजीशन, तो उसमें फर्स्ट हाउस में जब नंबर 2 आएगा तो वो होगा टॉरस यानी ऋषभ। ऋषभ राशि जो है वो वैसे भी हम जानते हैं कि दैट साइन रिप्रेजेंट्स द लग्जरी ऑफ लाइफ और दे वांट टू एंजॉय लाइफ। नाउ इन दिस मंथ उनको बहुत आराम मिलने वाला है क्योंकि उनके पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में सूर्य और बुध की युति होने वाली है जो उनके लिए शुभ है। इस महीने में अगर कुछ नया आप एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट विद इट। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका ग्रास्पिंग अच्छा रहेगा इस महीने में। और जो शनि आपको दे रहा है इस महीने में वो है आपका भाग्योदय। तो वृषभ राशि के लिए भी शनि बहुत अच्छा साबित हो रहा है इस महीने में। जो भी सकारात्मक चेंजेस है वो इस महीने में आपको शनि देगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। बिजनेस में आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव वहाँ पे मिलेगा। और अगर आप किसी टेंशन में हैं, तो किसी तनाव में हैं, तो आपको मैं एक एडवाइस करूँगी कि आप किसी भी नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, अदरवाइज़ वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। और किसी भी पॉजिटिव चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस मंथ के एंड में आपको बहुत से जो रोमांटिक आप बोलते हैं रोमांटिक चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। आपका जो ये रहेगा पॉजिटिव रहेगा काफ़ी। जो ट्रांजिट आपका मंगल का हो रहा है इसमें वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो क्या कर सकते हैं आप इस महीने में, आपको बस फोकस करना है उत्तरार्ध में अपने करियर पे पहली बात है, और फिर है रिलेशनशिप पे और स्टडी पे। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये तीन चीज़ों से फ़ायदा इस महीने में होने वाला है। थोड़ा सा तनाव रिश्ते में आ सकता है, थोड़ी सी असमंजसता आ सकती है, लेकिन घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है आपको इसलिए। उसके बाद जो है वो है जेमिनाई। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस महीने में आ सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके दशम भाव और कर्म भाव में स्थित होगा। और जो कर्म के स्वामी हम जिसे कहते हैं, जो शनि है, वो दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके कुंडली के। तो क्या होता है, ये जो ट्रांजिट है इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत फोकस रहना पड़ेगा। आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज हाथ आया रिजल्ट निकल जाएगा। अक्टूबर के पहले वीक में ही चंद्रमा और राहु का जो युति आपके प्लैनेटरी इसमें बन रहा है उसको ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे और गलत फहमियाँ होगी, आपको सफाई देने की ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ में। और उसी दौरान पंचम भाव में केतु भी उपस्थित है, इस कारण क्या होगा कि डिसकनेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या तो आपको लगता है कि आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, तो प्लीज़ टेक अ फर्स्ट स्टेप, टॉक टू द पर्सन एंड क्लियर वट एवर मिसअंडरस्टैंडिंग इज देयर। दैट इज़ द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट। ये आपको रिलीफ देगा किसी भी प्रॉब्लम से जो भी आपकी फैमिली लाइफ में आ रही है या रिलेशनशिप में आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए भी ये मंथ जो होगा अप्स एंड डाउन्स दोनों चीज़ें देगा। आई एम सॉरी, चंद्रमा जो है वो आपके दशम में है, मून जिसे हम कहते हैं मून और राहु, अगेन ये आपके 10th हाउस में है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा इस महीने में। और सन एंड वीनस जो है वो 4th हाउस में युति कर रहे हैं, इनकी सीधी दृष्टि दशम भाव पर हो रही है, जिससे क्या होगा कि आपका जो करियर है उसमें अच्छा ग्रोथ होगा। आप अगर किसी रिजल्ट्स के आपके ऑफिस में किसी प्रमोशन या रिजल्ट या इंक्रीमेंट या किसी अवार्ड की अगर आप ये कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो आपका जो वर्क है वो नोटिस हो जाएगा वहाँ पर और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके जो रिलेशनशिप है उसमें इस महीने में आपको थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके एकादश भाव में मंगल है। एकादश भाव यानी 11th हाउस। 11th हाउस को एस्ट्रोलॉजी में लाभ स्थान कहा जाता है।
लाभ स्थान में मंगल होने के कारण वहाँ पे थोड़ी सी दंगल होने के चांसेस हैं। तो क्या होता है कि कोई भी लाभ मिलने में आपको वो ईजीली नहीं मिलेगा, वहाँ थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उसके रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, आपके ऑफिस में भी किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, और जो आपका रिलेशनशिप्स होगा, लव रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ रिलेशनशिप होगा, उसके लिए ये महीना थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। तो अगर कोई चीज़ होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स या नुक्स निकालने से अच्छा है कि आप एक दूसरे की पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि सप्तम भाव जिसे रिलेशनशिप का स्वामी माना जाता है वो भी अभी वक्री है, तो वो आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट रिलेशनशिप में नहीं मिलने देगा। नेक्स्ट साइन है लियो, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। सन और मर्क्यूरी का जो एक साथ यहाँ पे युग हो रहा है, संकेत जो इनको मिल रहा है कि जो इनकी यूनिटी हो रही है वो उनको एक अच्छे आर्थिक रूप में जो है अच्छा खासा उनको बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिकल जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट वो किसी चीज़ से चाहते हैं डेफिनेटली उनको मिलेगा। इनके भी दशम भाव में मंगल है, इससे क्या होगा कि दशम भाव जो कर्म का भाव है, तो इस महीने में आप पाओगे कि आपके घर में आपके परिवार में आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, आपका मन कर रहा है कि आप घर पे ज़्यादा समय बिताए। और जो आपका मैंने कहा कि सूर्य और बुध है वो बुधादित्य योग बनाता है आपकी कुंडली में इस महीने में, जिससे आपको परिवार से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और आर्थिक उन्नति भी बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग जो है जिनका कोई मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ और लव रिलेशन इनमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम कुछ पिछले समय से चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको उसमें एक हैप्पीनेस मिलेगी। देन कन्या, वर्गो। वर्गो साइन जो है पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। राहु और मून अगेन दे आर इन योर कुंडली, दे आर मेकिंग यूनिटी। सो इससे क्या होगा, आपका संघर्ष जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। फिफ्थ हाउस में शनि वक्री होके आए हैं तो आपका एडुकेशन से रिलेटेड या कुछ नई चीज़ें सीखने से रिलेटेड कोई चीज़ें उसमें बाधा आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्यार में या रिलेशनशिप में बहुत ही मिला जुला, मतलब बैलेंस अनुभव आएगा ना, कुछ खास एक बोरिंगता आ जाएगी, थोड़ी सी बोरिंग आप फील करोगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है और ज़्यादा दुखी भी नहीं है, इस टाइप आप इस महीने में किसी भी रिलेशनशिप में फील करोगे। करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में ज़रूर मिलेगी। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, ज़रूर कीजिए, उस हिसाब से आपके लिए ये महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है लीब्रा, लीब्रा यानी तुला। तुला जो है ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड साइन है, हर चीज़ को ये लोग बैलेंस करना चाहते हैं। इनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्मीदों भरा है, अपॉर्चुनिटीज़ भरा है, और इसमें जो है सप्तम भाव में राहु के साथ मून युति कर रहा है, तो ये क्या होगा, आपको आपके पार्टनरशिप, सप्तम यानी सेवेंथ हाउस से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स देखते हैं, रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स देखते हैं, तो आपका जो भी बिजनेस है या आपका वर्क है वहाँ से आपको पार्टनरशिप से लाभ ज़रूर होगा। और आपके चतुर्थ भाव में शनि अपने दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि तुला वाले जो भी है उनको करियर में डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही। बट अगेन यही एडवाइस है कि जब भी शनि दृष्टि डालता है तो हम कोई चीटिंग शॉर्टकट अपने करियर में नहीं कर सकते, अदरवाइज हाथ आया हुआ प्रॉफिट निकल जाता है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए और अपने स्टेप्स पे भरोसा कीजिए और अपना रूटीन चालू रखिए, यू विल गेट बेनिफिटेड फॉर दैट। प्यार और रिलेशनशिप की जब बात आती है तो आपको ये महीना एक नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि इम्बैलेंस है, थोड़ी सी नाराज़गी है, लेकिन करियर में इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उसको साइड में रख के करियर पे फोकस करोगे। इसके बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है या वृश्चिक राशि जो है, तो ये जो है इनको काफ़ी टाइम से अगर कोई आर्थिक रूप से स्थिरता नहीं मिल रही थी तो इस महीने में उनको काफ़ी अच्छी स्थिरता आर्थिक रूप से मिल सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ जो
इस महीने का होगा, उसमें आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएंगे। शुक्र और सूर्य एक ही साथ में एक ही भाव में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि पैसा आएगा भी और जाएगा भी, तो उसे आपको कैसे बैलेंस करना है आपको सीखना है। अनवांटेड जो भी एक्सपेंसेस है आप सोच समझ के कीजिए और सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा आ रहा है, उसको कहाँ जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। प्यार और रिलेशनशिप जो है, वैवाहिक जीवन जो है, इसमें थोड़ी सी उलझने आ सकती है, जिसे आप अपने ईगो को साइड में रख के सुलझाने का अगर कोशिश करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों साइड से बैठ के, साथ में बैठ के किसी चीज़ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उस पर बात करके उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, अपने ईगो को साइड में रखिए। और फर्स्ट स्टेप कौन लेगा इसका वेट ना करते हुए रिलेशनशिप में फर्स्ट स्टेप लेके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दीजिए। ये आपका जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर वो बढ़ाएगा। सजिटेरियस यानी धनु, इसके बाद हम देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये महीना कैसा जाएगा। धनु और राशि वालों के लिए अगेन दशम भाव में सूर्य और बुध की युद्धि हो रही है, तो वो क्या होता है, बुधादित्य योग होता है। बुधादित्य योग क्या, दशम भाव में होने के कारण क्या होता है, दशम भाव जो है कर्मस्थान का है, तो आपको अपने कर्मस्थान से, अपने ऑफिस से, अपने वर्क प्लेस से बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका बुध उच्च का है तो फिर क्या होगा कि बहुत ही शुभ होगा वो, क्योंकि बुध को, मर्क्यूरी को हम लिक्विड कैश से जोड़ते हैं, तो आपका कैश से रिलेटेड या करेंसी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो आता है रिलेशनशिप, तो इस महीने में आपको रिलेशनशिप तो एवरेज है, नॉर्मल, ना उसमें झगड़ा है ना बहुत ज़्यादा खुशी, बैलेंस रहेगा। और क्या चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में जब वो बैलेंस है, सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि वो बैलेंस है। दुख नहीं है ठीक है, सुख नहीं है ठीक है, लेकिन बैलेंस है ना, झगड़ा करने की ज़रूरत भी तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपका जो प्रेमी है वो भी आपको आपके कमर्शियल लाइफ में या जो आपकी ऑफिस लाइफ है, आपका जो वर्क प्लेस है, उसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सपोर्ट करेगा। अगर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसमें आपको इनकरेज करेगा और आपका सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा आपका पार्टनर। कैप्रिकन यानी मकर राशि जो शनि की राशि है, इस राशि वाले लोगों को शनि बहुत ही कड़ी नज़र से देखते हैं, तो ये जो राशि है मकर राशि वाले, ये लोग अपने कर्मों के बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ताकि उनको उनके कर्मों का फल इसी जन्म में मिले। तो अच्छे या बुरे ये आपको देखना है। शनि आपके दूसरे घर पे भी शासन कर रहा है। दूसरा घर लिक्विड कैश का होता है, वाणी का होता है, फूड का होता है, जो सेकेंड हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं। तो अक्टूबर में आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है डेफिनेटली अच्छी रहेगी। आपको वहाँ से, मैंने जैसे कहा लिक्विड कैश होता है, तो आपको डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस महीने में नहीं आएगी। करियर से लेके और हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी चिंता आ सकती है, लेकिन अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखे और अपने काम की तरफ समर्पित हो तो आप इसे इजीली बाहर निकल सकते हो। आपको ये महीना जो है वो रिलेशनशिप में एक मिला जुला रिजल्ट देगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन आपको अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो 20 अक्टूबर के बाद लीजिए, तब तक आप सारे ही महत्वपूर्ण निर्णय को होल्ड पे रखिए, उसके बाद का टाइम आपके लिए अच्छा है। शनि की जो दूसरी राशि आती है, जो उच्च की राशि मानी जाती है, वो है एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, तो ये महीना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा अपने टारगेट्स या उनके कोई भी, उन्होंने कोई अचीवमेंट्स के लिए टारगेट रखा है, अपना काम है, किसी चीज़ को ये रखे, तो उस पर फोकस करने के लिए महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक रूप से भी ये महीना आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। आप जितना अध्यात्म से जुड़ोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, अध्यात्म और मेडिटेशन दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें आप जितनी करोगे उतना उसका रिजल्ट आपको आपके करियर में और आपकी मटेरियल वेल्थ में मिलेगा। और मंगल की दृष्टि जो है दशम भाव पर वो प्रबल है, इसलिए आपको दशम भाव यानी कार्यस्थल से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। बस आपको फोकस रहना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में होंगे, इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी
अगर आप जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाने के चांसेस है, स्टडीज से रिलेटेड आपको कुछ है, या तो कुछ ना कुछ अब्रॉड से रिलेटेड जो भी कनेक्शंस है उससे आपको एक अच्छा गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। रिलेशन के लिए हम अगर कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए ये महीना अच्छा है, रोमांस के लिए भी अच्छा है। इस महीने में आपको कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है सबसे लास्ट राशि जो है वो है पाइसिस, जुपिटर की यानी गुरु की राशि जो है वो मीन राशि। तो मीन राशि में अभी आप देखें तो गुरु स्वयं की राशि में वक्री है, जिससे क्या होता है कि आप जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे या ज़्यादा विचार करेंगे, और आपको एक्सपेंसेस को लेके भी बहुत ख्याल रखना है। आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखना है और अपनी जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें निभाने की तरफ आपको फोकस रहना है। इस महीने की शुरुआत में आपको कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग एक फैमिली लाइफ में हो सकता है, नॉट विथ पार्टनर बट विथ अदर रिलेटिव्स, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और सेकेंड हाफ जो होगा उसमें ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ था ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सेकेंड हाफ जो इस महीने का होगा उसमें आपके लिए जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, फैमिली रिस्पेक्ट है, आपके दोस्तों में आपका जो इमेज है, उन सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव बदलाव और एक अच्छा चेंज आप पाओगे। ये जो महीना है अक्टूबर महीना, इस महीने में वीनस जो है वो अस्त हो रहा है, शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए इस महीने में आपको बहुत सोच समझ कर खर्च करना है। और 17 अक्टूबर को सूर्य भी आपके 8वें घर से गोचर करने वाले हैं, तो आपको 17 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा केयर करनी है, उसके बाद आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन तब तक सारे अनवांटेड खर्चों को बिघनो। ये था इस महीने का हाल। अब वास्तु से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड थॉट्स है और मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी है उसको लेके मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभम भवतु।